यूपी एटीएस ने एक शख्स को मेरठ से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सत्येंद्र सिवाल नाम का शख्स पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। सत्येंद्र रूस में भारतीय दूतावास में काम कर रहा है। एटीएस ने अपनी विज्ञप्ति में बताया कि संदिग्ध सत्येंद्र सिवाल साल 2021 से रूस के भारतीय दूतावास आईबीएसए के पद पर कार्यरत है। इस शख्स के पास से 2 मोबाइल फोन, 1 आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र और 600 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। यूपी एटीएस ने अपने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में आगे जानकारी दी कि एटीएस को विभिन्न गोपनीय सूत्रों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हैंडलरों द्वारा कुछ छदन नाम के व्यक्तियों से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के कर्मचारियों को बहला फुसलाकर और धन का लालच देकर भारतीय सेना से संबंधित भारत के सामरिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गोपनीय सूचना हासिल कर रहा है, जिससे भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए यूपीएटीएस ने सिवाल से पूछताछ की तो पहले तो उसने असंतोषजनक जवाब दिए। हालांकि बाद में उसने जासूसी करने की बात को कबूल कर लिया और मेरठ में गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस की पूछताछ के दौरान सत्येंद्र सिवाल ने खुलासा किया कि वो भारतीय सेना और उसके दिन प्रतिदिन के कामकाज के बारे में जानकारी निकालने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को पैसों का लालच देता था। उस पर भारतीय दूतावास, रक्षा मंत्रालय और विदेश मामलों के बारे में महत्वपूर्ण और गोपनीय जानकारी आईएसआई हैंडलर्स को देने का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। एटीएस के मुताबिक आरोपी सत्येंद्र सिवाल हापुड़ देहात के शाहमीउद्दीनपुर गांव का रहने वाला है। ये विदेश मंत्रालय भारत सरकार में एमटीए यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ के पद पर नियुक्त है और वर्तमान में मॉस्को रूस स्थित भारतीय दूतावास में कार्यरत है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें, साल 2016 में राजस्थान पुलिस ने भारतीय नागरिकता पाने वाले 46 साल के हिंदू शरणार्थी को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया था। ये कार्रवाई जयपुर की सीआईडी इंटेलिजेंस पुलिस ने की थी। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम भागचंद है और उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। वो साल 1998 में अपने परिवार के साथ दिल्ली में संजय नगर में रह रहा था। उसे साल 2016 में भारतीय नागरिकता मिली थी और उसने राजधानी में ही टैक्सी ड्राइवर और मजदूर के रूप में काम करना शुरू किया था। वो पिछले 3-4 साल से अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था और उन्हें पैसे के बदले भारतीय मोबाइल नंबर और सिम कार्ड मुहैया कराता था।